समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड में सारण के जीआरपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि छपरा जंक्शन स्थित राजकीय रेल पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी सह जेडीयू के पूर्व विधायक राम बालक सिंह को छपरा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। बता दें कि 20 फरवरी को समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में विभूतिपुर के पूर्व विधायक राम बालक सिंह और उनके भाई समेत 6 लोगों के खिलाफ विभूतिपुर थाने में हत्या के बाद नामजद अभियुक्त बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिस मामले में पूर्व विधायक फरार चल रहे थे, लेकिन आज उनके स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में सफर करने की जानकारी छपरा जंक्शन स्थित रेलवे पुलिस को मिली और उसके बाद छपरा जंक्शन से नाटकीय घटनाक्रम के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद पूर्व विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि घटना के दिन मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मुझे आरोपी बनाया गया है। विभूतिपुर थाना क्षेत्र में घटना घटी है जिसमें हमें नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि घटना और तिथि और समय को मैं कोयम्बटूर में था अपने साढ़ू के बच्ची के शादी समारोह में। उसके बाद जब हमें जानकारी हुआ तो मैं खुद कल कोर्ट में समर्पण करने के लिए मैं जा रहा था। इसी बीच प्रशासन के लोगों को मालूम हुआ कि हम स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से जा रहे हैं, आपको बुलाए, मैं आपके पास चला आया। जो मामला है उस पर आपको क्या करना है? मामला आपको फंसाने के लिए किया गया है कि या उसकी आप किसी भी साजिश है? आप भी समझ सकते हैं कि जब घटना के तिथि के हम कोयम्बटूर में थे तो यह राजनीतिक साजिश है और राजनीति में ऐसे होते रहा है। किनके द्वारा साजिश रची गई? आप तो सत्ता पक्ष के विधायक रह चुके हैं। सत्ता पक्ष पे हम विधायक रह चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारे वहाँ राजनीति करने वाले सक्रिय हैं, इसलिए कि लोग चाहते हैं कि हम राजनीति से दूर हो जाएं। बहुत लोग हम पर दबाव भी बना रहे थे कि राजनीति छोड़ दीजिए। क्या मामला था जिसमें आप पर एफआईआर किया गया? मामला के बारे में हमें नहीं जानकारी है, हमको ये सिर्फ जानकारी है कि एक घटना घटी है, उसमें हम नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं और मैं सरेंडर करने के लिए अपने दूसरा अनुमंडल जा रहा था। इसी बीच में प्रशासन के लोग हैं। आज आपको किस ट्रेन से निकलता है? स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से मैं समस्तीपुर के लिए जा रहा था। लौट रहे हैं अभी आप उधर से? जी, मैं दिल्ली से आत्मसमर्पण के लिए ही दूसरा अनुमंडल के लिए समस्तीपुर जा रहा था। बता दें कि 20 फरवरी को अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पूर्व मुखिया समेत एक सहयोगी को मौत की नींद सुला दिया था। हत्या की वारदात को अपराधियों ने उस वक्त अंजाम दिया जब पूर्व मुखिया अपने सहयोगी के साथ ईंट भट्टा चिमनी पर जाने के लिए निकले थे। रास्ते में ही बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने उन्हें घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जब तक परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक 50 वर्षीय पूर्व मुखिया सुरेंद्र प्रसाद सिंह की मौत हो चुकी थी। छपरा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट।